90 से हमने ये डिपार्टमेंट के लिए म्यूज़ियम बनाना शुरू किया। चूँकि शुरू में तो हमें दुश्वारी थी मरे हुए परिंदों की, क्योंकि उस टाइम पे काम नया था, पता भी नहीं था कि दूसरी जगह पे स्टाफ को तो मरे हुए परिंदों का हुसूल मुश्किल होता था। बाद में फिर हमारे अपने पार्कों से या चिड़ियाघर से या अगर डिपार्टमेंट के स्टाफ कहीं से कन्फिस्केट करके भी जानवर या स्किन वगैरह पकड़ते थे तो हमारे पास यहाँ पे बेच के हम उसको हनूत करके अपने म्यूज़ियम में रखते हैं। अब तक तकरीबन हमने 250 के करीब स्पीशी अपने म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। यहाँ पे क्लास पहली क्लास के स्टूडेंट से लेके CSS के स्टूडेंट तक यहाँ पे विज़िट करते हैं, अपने तालीम में मकासद पूरे करते हैं। छोटे परिंदे से लेके बड़े जानवर मारखोर चीते रीछ तक यहाँ पे हमने हनूत करके रखे हुए हैं। उसके साथ जानवरों के साथ साथ उसका जो जंगल का माहौल होता है हैबिटेट, उसका बैकग्राउंड भी दिया गया है हनूत ट्रॉफियों के साथ। चूँकि ये फ़न काफ़ी महदूद है, इतने ज़्यादा तो नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, तो मुझे कोई दूसरा नज़र नहीं आता। अलबत्ता पंजाब, लाहौर और सिंध में हनूतकार हैं। कुछ नंबर तो इतने मालूम नहीं है, कुछ 10-20 के करीब होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे जी। बहरहाल अभी हमारे डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है पेशावर चिड़ियाघर में, इसके लिए एक स्कूल खोलने का, वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, तो फिर उसमें लोगों को सिखाया जाएगा ये हुनर।